भूवते परवर दिगार लापता इल्ला दीना से इल्ला लापता इल्ला यानी ना सैफ इल्ला जुल्फे का लाद में मुझसे फरिश्तों ने जब सवाल किया बता तू अपने नबी को इमाम को बतला लाद में मुर्दा यू फौरन संभल के बैठ गया खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेके कहा मान कुन कमान कड़े तिकड़े होतो
साई जी, आप वहाँ से रोज आते जाते हैं यहाँ पर, और बाबा का नाम क्या है? चांस वाली बाबा। तो हाँ, तो उनसे कब है, उनसे कब आता है इनका? चंदनपुरी की जत्रा होने के एक महीने के बाद, पाँच दिन में यहाँ पर मुहूर्त रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर जब मुहूर्त होता है तो पब्लिक आती है, लोगों को मालूम है, सब आते हैं, कंदूरी वगैरह सब यहाँ से गाँव वाले आते ना, वो कमर जब आना थे पहले, तो गाँव में क्या करा, तो गाँव में पहले आते थे। आपसे मिलकर खुशी हुई, और हम लोगों को आपसे मालूम भी मिल गई कि मतलब कि दरगाह कब से है, कितने दिनों से आप कब से यहाँ पर खिदमत गुजारी कर रहे हैं? ये तो मेरे को नहीं, ये गांव का है, मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, मेरे को जमा घर बता जिससे मेरी जॉब बन गया, इधर इधर थोड़ी सी वो लगती सब बकरिया ढोर सब आते थे इधर में, मतलब तुमने सब ये सब क्लियर सब बाबा जी की वजह से आपने किया। मेरे उसको बोला कहता हूँ, ये चाचा का कहना है मैं अंदर दिखता नहीं। अच्छा, मार के दो मेरे को, बताओ ये करना है क्या बात। तो ये छानशा वाली बाबा ने चाचा को करामत दिखाई अपनी, जब इन्होंने यहाँ पर खिदमत गुजारी शुरू की, तो छानशा वाली बाबा ने इनको करामत ये दिखाई कि इनके दोनों हाथ जो है बोरिंग के अंदर जाकर उंगली टूट चुकी थी। तो इनको हाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये उंगली नजर आ रही होंगी कैमरे के अंदर, ये इनकी उंगली खराब हो चुकी थी। इन्होंने दरखास्त की कि अगर मेरी ये उंगली ठीक हो गई तो मैं यहाँ पर खिदमत गुजारी करूँगी। इन्हें अगर किसी फकीर ने कहा कि आप उस दरगाह पर जाओ, वहाँ पर मिट्टी है, तो मिट्टी को उठाकर आप लगा लो या खा लो, अगर फर्क पड़ा तो वहाँ पर खिदमत गुजारी करना वरना मत करना। तो इन्होंने अजमाइश के ताल्लुक से वो काम किया और उनको शिफा मिली। तो आज ये 80 या 70 साल से यहाँ पर खिदमत गुजारी कर रहे हैं ना, ये बात है ना। चलिए ठीक है, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस वक्त हम लोग हैं मनमाड़ रोड के ऊपर शूंदी घाट पे, यही एक दरगाह है जो दरगाह के ऊपर नाम लिखा हुआ है चांद शाह वली बाबा।